मैं हूं डॉक्टर आमिर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज आपके लिए लेकर आया हूं विज्ञान एनसीईआरटी कक्षा 10 लेसन 3 धातुएं और अधातुएं। तो धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो आज हम धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में कुछ और फैक्ट पढ़ेंगे, साथ में धातुओं की क्रियाशीलता के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो पहले धातु की रासायनिक क्रिया थी अम्ल के साथ देखेंगे आज। धातु प्लस तनु अम्ल, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी धातुएं जो तनु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन पैदा करती हैं। जैसे एग्जांपल मैग्नीशियम को यदि HCl के साथ क्रिया करवाएं तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O बन जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O बन जाता है, दो से मल्टीप्लाई करके ये रासायनिक समीकरण है जो संतुलित हो जाता है। एल्यूमिनियम और HCl की क्रिया करवाएं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2O बनता है। तो इस तरह से यानी मैग्नीशियम और HCl ये तनु अम्ल है, ये तनु अम्ल है। मैग्नीशियम धातु है, एल्यूमिनियम धातु है। तो धातुओं की क्रिया यदि हम अम्ल के साथ करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसके साथ साथ अब देखें इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ छः से करना पड़ेगा, यहाँ दो से करना पड़ेगा। तो समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, उससे पहले वाली वीडियो आप देखिए, उसमें मैंने बताया था तो उसको आप चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे नोट करना है क्या, कॉपर धातु यानी कॉपर HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती, अभिक्रिया नहीं करती है कॉपर, ये अपवाद है, याद रखना है आपने। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, धातुएं HNO3 यानी ये नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती हैं, ये चीज़ देखनी है। यानी धातुएं यदि नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करवाएं तो हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती हैं। तो इसका क्या कारण है, क्योंकि ये HNO3 है जो ये प्रबल अक्षारक, प्रबल आक्सीकारक है, प्रबल आक्सीकारक, प्रबल आक्सीकारक है जो हाइड्रोजन गैस के साथ है मिलकर, हाइड्रोजन गैस से मिलकर H2O बना देता है, पानी, यानी पानी बना लेता है। यानी हाइड्रोजन तो पैदा होती है लेकिन वो ये प्रबल आक्सीकारक है, प्रबल आक्सीकारक यानी हाइड्रोजन को क्या कर देता है, ऑक्सीजन के साथ मिला देता है और उससे क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, इसलिए हाइड्रोजन नहीं बनती। लेकिन यहां भी नोट रखना है आपको, क्या मैग्नीशियम और मैग्नीज, मैग्नीज ये दो धातु हैं जो मैग्नीशियम और मैग्नीज ये HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन
पैदा करती हैं। तो ये फैक्ट है, यानी ये दो धातुएं हैं मैग्नीशियम मैग्नीज, ये HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा कर लेती हैं। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है यहां पे, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सम अदर फैक्ट्स, यानी धातुओं से रिलेटेड कुछ और फैक्ट हैं। सबसे पहला क्या है, पोटेशियम और सोडियम, यानी के का मतलब पोटेशियम है, सोडियम पोटेशियम ये लिख देता हूं मैं, सोडियम ये मिट्टी के तेल में डुबोकर रखनी पड़ती हैं, मिट्टी के तेल में डुबोकर रखनी पड़ती हैं। क्यों, क्या कारण है, क्योंकि खुले में आग पकड़ लेती हैं, खुले में आग पकड़ लेती हैं। तो ये पॉइंट है, पोटेशियम और सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि खुले में छोड़ने पर आग पकड़ लेती हैं। सेकंड फैक्ट है जो धातुओं से रिलेटेड, वो क्या है कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और पीबी लेड बोलते हैं जिसको, यानी मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड, ये धातु हैं जो, ये धातु, इन पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, ऑक्साइड की परत चढ़ती है इन पर, यानी जैसे ही वायु के संपर्क में आएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड लेड ऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर इन पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, और ये परत है ना, जो परत इनको आगे आगे संक्षारित होने से बचाती है, संक्षारित या अभिक्रिया करने से बचाती है, अभिक्रिया से बचाती है, यानी इनके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, उसके बाद फिर ये क्या है, और आगे क्रिया नहीं कर सकती, और आगे ये संक्षारित नहीं हो सकती, यानी इनके ऊपर ऑक्साइड की परत है जो इनका रक्षा कवच बन जाता है, इनका सुरक्षा कवच बन जाता है, ये आगे खराब नहीं होती। तो जैसे आपने देखा होगा एल्यूमिनियम के बर्तनों के ऊपर कि पहले जब हम बाजार से लेकर आते हैं उनमें काफ़ी चमक होती है, उसके बाद जैसे ही वो वायु के संपर्क में आते हैं उनके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, थोड़े से मैले मैले से हो जाते हैं, धुंधले धुंधले हो जाते हैं, वो ऑक्साइड की परत है, वो उनको और आगे खराब नहीं होने देगी। उसके बाद थर्ड फैक्ट क्या है, जैसे आयरन है हमारा लोहा, आयरन का दहन नहीं होता, यानी आयरन कभी जलता नहीं है, दहन नहीं होता, लेकिन यदि इसका चूर्ण बनाकर, यानी लोहे का चूर्ण बनाकर जिसको हम लोह चूर्ण कहते हैं, यदि इसको चूर्ण बना लें, इसका पाउडर बना लें और ज्वाला के ऊपर डाल दें, लोह चूर्ण ज्वाला के ऊपर डालने से आग पकड़ लेता है या जल जाता है,
दहन हो जाता है इसमें, तो है ना रोचक फैक्ट कि आयरन शवम तो जलता नहीं, लोहे में दहन नहीं होता, लेकिन यदि उसी लोहे का चूर्ण बना के ज्वाला के ऊपर डाल दें तो वो तेजी से आग पकड़ लेता है, यानी तेजी से जलने लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ फैक्ट देखिए, फोर्थ फैक्ट क्या है, जैसे सोना, इसी से रिलेटेड बताता हूँ मैं एक और, कॉपर धातु है जो, कॉपर यानी तांबा, यानी इसका भी दहन नहीं होता, इसका भी दहन नहीं होता, लेकिन लेकिन गर्म करने पर, गर्म करने पर है काले काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। तो एक ये फैक्ट है, यानी तांबा दहन नहीं होता, जलता नहीं, ये भी लोहे की तरह, लेकिन गर्म करने पर इसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, कॉपर ऑक्साइड, और ये काले रंग का बन जाता है, काले रंग का, काले रंग का। उसके बाद देखना है पांचवा पॉइंट, वो था सोना और चांदी, सोना चांदी यानी गोल्ड सिल्वर ऑक्सीजन से कभी क्रिया नहीं करते, ऑक्सीजन से कभी अभिक्रिया नहीं करते, यानी सोना और चांदी ऑक्सीजन से कभी अभिक्रिया नहीं करते, जल से भी अभिक्रिया नहीं करते, और इसीलिए कहते हैं सोना कभी जंग नहीं खाता, सोने को कभी जंग नहीं लगता, ये अभिक्रियाशील धातुएं नहीं हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, यही मेरा मोटिवेशन है, यही मेरी सपोर्ट है। यदि आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी लिख डालिए, मैं आपके सजेशन का स्वागत करूँगा, यही मेरा इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है धातु प्लस धातु का लवण विलयन, यानी धातु को किसी धातु के लवण विलयन में डाल दें तो क्या होता है, ये है पॉइंट। यानी यदि किसी धातु के लवण विलयन में कोई धातु डाल दी जाए तो क्या क्रिया होती है, तो अब हम देखेंगे, मान लो धातु ए है और एक धातु यहाँ बी है, ये बी का लवण विलयन है, एक धातु ए ले ली, धातु बी का लवण विलयन ले लिया, तो उसके बाद हम देखते हैं क्या यहाँ पे धातु ए का लवण प्लस धातु बी, तो अब देखिए क्या है ये, यानी धातु ए और धातु बी का लवण विलयन लिया था हमने, और मिला क्या है, धातु ए का लवण, यानी यहां धातु बी थी, बी का लवण था, लेकिन यहां धातु ए का लवण है, बी कहां चली गई, अलग, यानी यहां से निकल के धातु बी अलग चली गई, अलग, अलग को हम क्या कहते हैं, विस्थापन, विस्थापन, और धातु ए है जो वो यहां आ जाती है। अब इसका मतलब क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है कि धातु ए ने बी को विस्थापित कर दिया, धातु ए ने धातु बी को विस्थापित कर दिया, यानी धातु ए ने धातु बी की जगह छीन ली,
उसको जगह से दूर भगा दिया। तो शक्तिशाली कौन हुआ फिर? इसलिए धातु ए बी से ज्यादा अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशील है यानी धातु ए ज्यादा शक्तिशाली है। फिर तो धातु ए ने बी की जगह छीनी है तो शक्तिशाली कौन हुआ? धातु ए। यदि आप मेरी जगह छीन लो तो शक्तिशाली कौन हुए? आप हुए ना। तो इसीलिए धातु ए बी से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तभी तो इसकी जगह छीनी है। तो एक पॉइंट आपने ये नोट करना है, और ये चीज हम अध्याय एक में पढ़ चुके हैं। चैप्टर एक में हमने पढ़ी थी विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो प्लेलिस्ट खोलिए और देख डालिए वो वीडियो जिसमें विस्थापन अभिक्रिया का उल्लेख किया गया था। अब क्या करेंगे, आगे धातुओं की सक्रियता श्रेणी देखेंगे। धातु की सक्रियता श्रेणी, यानी धातुओं की सक्रियता श्रेणी। अब सबसे पहले तो ये देखना है सक्रियता श्रेणी होती क्या है। तो सक्रियता श्रेणी क्या है कि धातुओं को अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में एक सूची बना दें हम। जैसे सबसे पहले हम ज्यादा क्रियाशील ले लें, उसके बाद कम क्रियाशील, फिर कम, फिर कम, फिर कम क्रियाशील, और सबसे नीचे सबसे कम क्रियाशील ले लें। तो ये जो क्रम है, ये घटता क्रम है, इसको हम अवरोही क्रम कहते हैं, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। यानी और ये डिसेंडिंग ऑर्डर किस आधार पे बनाना है? ये डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है अभिक्रियाशीलता के आधार पर। आधार पर जो घटता क्रम है, घटता क्रम, उसको सक्रियता श्रेणी कहते हैं। कि धातुओं को अभिक्रियाशीलता के आधार पर इस तरह घटते क्रम में लिख दें तो ये सक्रियता श्रेणी बन जाती है। अब एग्जाम्पल में देखिए सक्रियता श्रेणी। तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक लिखता हूँ, ट्रिक। इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं, और वो क्या है, मैं लिखता हूँ पोशाक में एजी ऑयल है, कम सिलेगी। यानी ये लाइन आप याद रख सकते हैं कि पोशाक में एजी ऑयल है, कम सिलेगी। तो यहां से पो से क्या बनेगा, सबसे पहले पोटेशियम, सा से क्या बनेगा, सोडियम बना लेंगे हम दूसरे नंबर पे, सोडियम। कैसे क्या बनेगा, कैल्शियम। फोर्थ नंबर पे मै से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ए पांचवें नंबर पे क्या बनेगा, ए से एल्यूमिनियम। जी से क्या बनेगा, जिंक। सातवें नंबर पे आई से क्या बनेगा, आयरन।
आठवें नंबर पे लय से क्या बनेगा, लैंड यानी सीसा धातु। नौवें नंबर पे है से क्या बनेगा, हाइड्रोजन। दसवें नंबर पे कैसे क्या बनेगा, कॉपर। मै से क्या बनेगा, मरकरी यानी पारा। सिल से क्या बनेगा, सिल्वर। और गागेगी से गोल्ड बनेगा, क्या बनेगा, गोल्ड सोना। तो अब देखेंगे ये है सबसे ऊपर क्रियाशील यानी सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता पोटेशियम की है और इस साइड में घट रही है। इस साइड में क्या हो रही है, ये घटता क्रम है, नीचे जाओगे घटती जाएगी। दूसरे नंबर पे सोडियम है, तीसरे पे कैल्शियम है, इस तरह से घटेगी, फिर उसके बाद यहाँ से नीचे घटना शुरू हो जाएगी। सबसे नीचे गोल्ड है यानी ये सबसे कम क्रियाशील है, सबसे कम क्रियाशीलता किसकी है, गोल्ड की। यानी इस तरह से धातुओं को यदि हम उतरते क्रम में लगा दें और किस आधार पे, अभिक्रियाशीलता के आधार पे, तो इसको हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और इस ट्रिक के द्वारा इसको याद रख सकते हैं, पो से पोटेशियम, सा से सोडियम, कै से कैल्शियम, मे से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, जी से जिंक, ओ से ऑयल, ल से लेड, है से हाइड्रोजन, कै से कॉपर, मै से मरकरी, और सिल से सिल्वर, और गागेगी से गोल्ड। तो ये ट्रिक काम कर जाएगी। तो इस तरह से आपको ये सक्रियता श्रेणी आराम से याद हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज एनफ फॉर टुडे। आई होप यू विल हैव एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।